भैया ये पिचकारी कितने रुपए की दी है? 500 रुपए की। 500 रुपए की? भैया ये पिचकारी कितने की दी है? मैडम 100 रुपए की। ठीक है भैया 5 करता हूँ। लो मैडम। थैंक यू भैया, हैप्पी होली। सेम टू यू। मुझे 500 रुपए की और उसे तो 100 रुपए की पिचकारी दे रहा है। वो लड़की है ना, तू उसे इसलिए सस्ती पिचकारी दे रहा है ना, मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हो। मैं ना बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। आप यही जानना चाहते हो ना भैया मैंने उनको सस्ती पिचकारी क्यों दी? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखा, चल क्या दिखाना चाहता है तू मुझे? सर ये देखो। इनके पति ना सर फौज में है और जब भी कोई त्योहार आता है तो ये हर साल इसी तरह से गरीब बच्चों के साथ अपना त्योहार मनाती हैं, क्योंकि इनके पति घर नहीं आ पाते त्योहार मनाने के लिए। वो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। सर हमारी इतनी औकात नहीं होती कि हम किसी की खुद से मदद कर सकें, इसीलिए सर मैं इनको सस्ता सामान दे देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत पुण्य मैं भी कमा सकूँ। कि हर त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है और ऐसा करके मुझे भी खुशी मिलती है। आई एम सॉरी भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस होली के त्यौहार पे ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटो। मेरी साइड से आप सभी को हैप्पी होली। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।